का आंदोलन और 25 दिन से हम लोगों का संघर्ष, मेरा रूपेश भाई का और मेरे और कई साथियों का। सबसे पहले आंदोलन में भाग लेने वाले सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आपने इतनी दूर दूर से आए, आप इतनी दूर दूर से आए, आंदोलन में भागीदार बने, आंदोलन में भाग लिया आपने और इतनी भारी संख्या में सरकार के समक्ष अपनी बात को रखा और इसकी झलक कल देखने को मिली। जब मैं नेता प्रतिपक्ष से मिलने गया तो नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से मिलने आए, खास करके उन्होंने वक्त दिया तुरंत। मेरे कुछ साथी वहां गए थे, मैं तो गया भी नहीं था, मैं रास्ते में ही था कि नेता प्रतिपक्ष ने हम लोगों से मिलने का वक्त दिया कि 4:30 में हम आपसे मिलेंगे। हाँ, चूंकि उनका शेड्यूल बहुत ही बिजी होता है, कहीं जाना था इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, और चूंकि वो बताए कि हम आपकी बात को समझ लिए हैं और आप हमसे मिल ही लिए तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपकी बात को विधानसभा में उठाएंगे और हम हर प्लेटफॉर्म पर हम आपको डिफेंड करेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और जो कुछ भी आश्वासन दिया वो सब कुछ आपके सामने है, कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। मेरे साथियों, मैं जो कुछ भी बात करता हूँ वो कभी अंडर टेबल नहीं होता, हमेशा ओपन होता है और मैं ऐसे ही काम करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही काम करना चाहता हूँ। मेरे साथियों, अगर आपको अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है ना, तो डर करके नहीं पहुंचाया जाता है, निडरता के साथ पहुंचाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। आपको लगता होगा ना कि ये सरकार व्यवहारिकता से चलता है, केवल नहीं चलता व्यवहारिकता से भाई। अरे महाराज, व्यवहारिकता से चलता तो इस देश में, इस राज्य में 12 करोड़ महान जनता में कई ऐसे लोग सड़क पे मर जाते हैं भूख से, कई ऐसे सड़क पे रोज प्यास से मर जाते हैं, कई लोग बीमारी से मर जाते हैं, किन्हीं के पास घर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे अनाथ होकर के घूम रहे हैं। क्या कोई सरकार की उसके लिए कोई पहल है? नहीं पहल है। राज्य बहुत बड़ा है, किया जा सकता है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो आपको लगता होगा केवल व्यवहारिकता से सरकार चलता है, व्यवहारिकता से सरकार नहीं चलता, सरकार कानून से चलती है जी, और सरकार चलता है रौब से। सिर्फ व्यवहारिकता से सरकार नहीं चलता, हाँ व्यवहारिकता का स्थान है। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि व्यवहारिकता का स्थान नहीं है, व्यवहारिकता का स्थान है इस दुनिया में। तो हम लोगों ने जिस तरह से अपनी बात को रखा, लगभग सब तरीके से, कुछ जगह असंतुलित मैं हुआ, वो असंतुलित इसलिए हुआ कि मेरे आंखों के सामने मेरे मेरिटधारी साथियों पर लाठियां बरसाई गई, कुछ मेरे साथियों को अरेस्ट किया गया, मेरे साथी का बैग उठा करके फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया गया। ऐसे ऐसे घटना जब मैं अपने आंख के सामने देख रहा था तो बताइए ना, कैसे बर्दाश्त करूँ बताइए। और यही कारण था कि कभी कभी मैं थोड़ा असंतुलित हुआ था। चेक है, कुल मिला करके आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मेरे साथियों कि अपना आंदोलन बहुत ही बढ़िया रहा, मजबूती से हम अपनी बात को रखें, और सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आगे भी हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, अगर आपको जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े हुए अधिकार नहीं मिलता यार, नहीं मिलता, आज तक दुनिया में नहीं मिला, आपको कैसे मिलेगा। तो हम लोगों को मार्च के महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करवा लेनी है, और मार्च के महीने में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कराने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, सड़क से लेकर के सदन तक, पत्रकारों से लेकर के सारे राजनेताओं से मिलने तक, हर जगह संघर्ष करना होगा आपको, अगर आप जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं तो। और दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर आप सोचेंगे बैठ करके सपने देखेंगे, तो बैठ करके सपना देखने वाले को कुछ आज तक नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला आज तक। बैठ करके सपना देखने वाले को आज तक कुछ नहीं मिला है, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें, समझदारी का इस्तेमाल करें, सोच का इस्तेमाल करें और निर्णय लीजिए, सोचिए, पूछिए, बड़े बुजुर्गों से पूछिए, नेताओं से मिलिए, अधिकारियों से मिलिए, निर्णय लीजिए कि भाई अनिल जी क्या कह रहे हैं, अनिल सर क्या कह रहे हैं, ये बात को आप समझिए। ऐसे नहीं है कि मैं जो कह दिया आप मान लिए, नहीं, आप आपका अपना सोच है, अपना विचार है, आप उस पर भी विचार करिए और तब हमारी जीत सुनिश्चित होगी मेरे साथियों, तब हमारी जीत सुनिश्चित होगी।
अंत में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, अगर मेरे कोई विचार से, अगर मेरे कोई व्यवहार से किसी भी 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों को अगर तकलीफ लगा हो, अगर उनके मान सम्मान को नुकसान पहुंचा हो, अगर किसी तरह की उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। माफी मिलनी चाहिए, वो समय सब वो एक आंदोलन का मूव होता है और दिमाग संतुलित हमेशा नहीं होता लोगों के पास, तो हो सकता है कोई ऐसे व्यवहार हुए हो मेरे तरफ से जो आपको अच्छा ना लगा हो, इसके लिए माफी चाहिए मुझे आप सभी से। कोई भी सभी 30,675 मेरिटधारियों से अगर किसी तरह से मुझसे गलती हुई होगी तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे, माफी चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए और हम लोग मिलजुल करके संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। और किसी से मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है भाई, मेरा सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य है, मेरिट को नियुक्ति हो, विज्ञापन का पालन हो, संविधान का पालन हो। बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन भाई, बिल्कुल। तो अर्जुन भाई भी बोल रहे हैं कोई असंभव नहीं है और हम लोग उसको संभव बना देंगे, चिंता की बात नहीं है। तो आज बस यही बात कर रहे थे अर्जुन भाई कि कोई अगर बात व्यवहार से किसी को चोट पहुंचा हो दिल पे, तो नाराजगी नहीं लेना है, नाराजगी एकदम नहीं लेना है, एकदम खुश रहना है, टेंशन फ्री रहना है। सभी को मैं बोल रहा हूँ, मुस्कुराइए, हंसिए, टेंशन को फेंकिए और फिर से हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई मैदान जंग में कूद जाइए। बस अगर आपको सफलता हासिल करना है, अगर आपको संघर्ष करना है, मजबूती से संघर्ष करना है, अपने मुकाम को हासिल करना है, फतह करना है, तो आपको एक होकर के लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ये बात याद कर लेना मेरे साथ, ये बात याद कर लेना। तो हम किसी भी तरह से कोई मतभेद नहीं चाहते और अगर मेरे किसी साथी को कोई तकलीफ हुआ हो तो उसके लिए शुक्रिया।